हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टू बर्न में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले सीडीएसएल शेयर्स के बारे में, बट उससे पहले बता देता हूँ ट्राइडेंट एंड बीटीसीएल की भी वीडियो अपलोड हो गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनफैक्ट आई बटन पे मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है फ्यूचर ग्रोथ में अच्छी खासी शेयर और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इनफैक्ट जिन किन्हीं को भी डीमैट अकाउंट खुलवाना है अपने स्टॉक्स में, जहां पे बहुत ही क्लियर डिफाइन तरीके से ब्रोकरेज बताई हुई है, तो आप खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कुछ उसमें भी डाउट है तो आप कमेंट आप मुझे अगर मैसेज करते हैं तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, या हमारी टीम आपके पास तुरंत से तुरंत रिप्लाई करेगी। चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आपसे बताता हूँ सीडीएसएल शेयर्स के बारे में। यहाँ पे शेयर देख सकते हैं 1,281 रुपीज पे करेंटली ट्रेड कर रही है। मार्केट में ये शेयर्स अभी बहुत ही ज्यादा तहलका मचा सकती है। तहलका मचाने का मेरा क्या मतलब है आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 6% लास्ट ट्रेडिंग में 6% ऊपर जाते हुए देखिए, 6.48% 78 पॉइंट, लगभग 78 पॉइंट का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। 5 डेज पे बात करें 10% बहुत ही गजब का फ्लक्चुएशन होते हुए दिख रहा है, और 1 मंथ में तो आप देख ही सकते हैं कि एक टाइम पे और ऊपर गई थी बट यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल गया। यहाँ पे हमें जहाँ पे सपोर्ट थी वहां से ब्रेकआउट देखने को, सॉरी रेजिस्टेंस थी वहां से ब्रेकआउट देखने को मिल गया। अगर आप लोग को पता होगा कि ये सीडीएसएल किस चीज में ट्रेड करती है क्या है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर नहीं पता है तो ये इस सेक्टर में सबसे मोनोपोली स्टॉक है, तो ये पूरा का पूरा इतना तो हाथ में अपने हाथ में रखती है कैपेसिटी कि ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ बनाते हुए दिखेगी। और बनाते हुए क्या बनाई है वैसी ग्रोथ, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो जस्ट वेट में आप लोग को 1 डे पे लेके चला जाता हूँ, सॉरी 1 आवर पे लेके चला जाता हूँ, कि आप लोग को पुराना चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना दी थी जस्ट वेट में इसको, और एक और चीज कर देता हूँ कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस थी जिसको ब्रेक करते हुए सीडीएसएल दिख गई है। यहाँ से लगातार मतलब एक टाइम पे बहुत ही गजब डाउन आ चुकी थी, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा सिनेरियोस, बहुत सारी चीजें चेंजेस होते हुए दिखी, और लास्ट में आज के दिन हमें फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल गया। शेयर बहुत ही अच्छी शेयर है, और मोनोपोली मार्केट में तो इनका अलग ही रुतबा है। यहाँ पे होल्डिंग्स बहुत ही अच्छी खासी बनते हुए दिखी है। और अगर हम लोग मार्केट में फर्दर बात करें पुराने टाइम से, जस्ट वेट में आप लोगों को कुछ और भी चीज दिखाना चाहूंगा। 1 ईयर से देख सकते हैं एक टाइम पे ये शेयर 1,500 पे भी टच करते हुए दिखी है, और 1,500 में भी अच्छा खासा ट्रेड करते हुए दिखी, बट अभी फिर से उसी सिचुएशन में आ रही है और अच्छा खासा मेंटेन करते हुए आपको फ्यूचर मार्केट में भी दिख सकती है। अब फर्दर आगे की बात करें तो देख सकते इसमें कितनी डिलीवरी होते हुए दिखी है। यहाँ पे अगर बात करें तो 32.10% की डिलीवरी। अब यहाँ पे डिलीवरी कम होते हुए क्यों दिखी, तो यहाँ पे बहुत कोई जो रेसिस्टेंस, बहुत कोई पहले ही जो मेन वहां पे सेलर रेडी रहते हैं, वो लोग तो अपना सेल कर दिए, शेयर्स अपनी शेयर्स को सेल कर दिए, बट यहाँ पे ये ब्रेक करते हुए दिखी थी। बहुत ही कम चांसेस रहती है कि ब्रेक करते हुए, क्योंकि हमेशा एक बायर और सेलर का बहुत अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट रहता है, और वो बॉन्डिंग यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर दी। हमें यहाँ पे बात करें तो जैसे हम लोग को 6-7% ऑलमोस्ट 7% की तेजी देखने को मिली थी, वो क्वाइट थोड़ी सी शॉकिंग थी, बट हाँ तेजी अच्छी थी। यहाँ पे इनफैक्ट डिविडेंड भी प्रोवाइड होते हुए दिखी हमें, तो यहाँ पे 16 रुपए की डिविडेंड देखने को मिली थी, और फिर इसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिल गई है मार्केट में। बट कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि ये खराब है, चाहे आपको बाद में डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, बट हाँ जरूरी ये चीज हो सकता है, या तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बन सकता है, यहाँ से कंसोलिडेट करते हुए आपको दिखेगी, नहीं तो यहाँ से और तेजी बनेगी, बट तेजी बनने का बहुत ही कम परसेंटेज है, 30% चांसेस रह सकता है, बट कंसोलिडेट करने का पूरा चांसेस बन रहा है। तो कंसोलिडेट का रेंज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कंसोलिडेटिंग रेंज है 1,282 से लेके 1,252, मैं 200 ही करके बोलूंगा, आप 1,000 समझ जाइए कि 1,000 का बात कर रहा हूँ, तो 252 तक मैं ट्रेड कर सकती है, आपको ये चीज समझ है, और उसके बीच में कंसोलिडेटिंग रेंज है। अगर उसको ब्रेक करती या इसके रेसिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करती तो यहाँ से तेजी बनने का पूरा चांसेस बन रहा है। फर्दर हम लोग आगे की साइड मूव कर जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जस्ट वेट सॉरी मैं आप लोग आगे की साइड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डिलीवरी की साइड बात करें तो डिलीवरी अभी के टाइम में लास्ट कम होते हुए देखिए, इससे पहले ये आप देख सकते हैं कितनी ही ज्यादा डिलीवरी थी। एवरेज वीक की बात करें तो ऑलमोस्ट 37
तक में डिलीवरी बनते हुए दिखी, फिर 42, और इसीलिए लास्ट में हमें सबसे कम डिलीवरी होते हुए दिखी है। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की तरफ से भी टारगेट मिला होता, 8 अगस्त 18 को ही टारगेट मिला था कि कितनी ऊपर जाएगी, 212 तक, मतलब 1212 तक जाएगी ऊपर, और ये उससे भी ऊपर जाते हुए दिख चुकी है। अच्छी बात है, यहाँ पे 100% बाइंग बोला जा रहा है मनी कंट्रोल की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट रीजन बोलता हूँ, ये एक मोनोपोली स्टॉक है और अभी ये ऊपर जाएगी, आपको अभी नहीं तो फंडामेंटली तो भी स्ट्रांग है और आपको थोड़े दिन तक में आपको तेजी बना रहेगी। जैसा बोला हूँ कंसोलिडेट करते हुए दिख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और फ्यूचर में आपको ग्रोथ पक्का है इस स्टॉक में इस तरीके की है। यहाँ पे अगर बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही अच्छी खासी देख सकते हैं, पब्लिक बहुत ही ज्यादा इंगेज है इस साइड में। यहीं पे दिखा देता हूँ पब्लिक होल्डिंग्स में, यहाँ पे दिखा सकता हूँ 47 तक बनते हुए दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी निराशा भरी बात है, यहाँ पे 20% हमेशा बना हुआ था पर प्रमोटर होल्डिंग्स 15 पे आ चुकी है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे बात करें उसके बाद एक अच्छी तेजी हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दिखी है, ये बहुत ही अच्छी बात है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी हुई थी बीच में बट फिर से तेजी बन चुकी है। अभी ऊपर जाने का तो पूरा चांस है, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, बट प्रमोटर होल्डिंग्स के साइड से ये 5% जो डाउन गई है, ये रीजन तो इस रीजन को थोड़ा सा मैं फाइंड आउट करूंगा, एनालाइज करूंगा, बट अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बता सकते हैं, और कोई भी चीज़ अलग से भी जानना हो तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं। आपको रेंज बता दिया, सपोर्ट बता दिया और रेसिस्टेंस बता दिया हूँ, और किस ये कहाँ कब तक कंसोलिडेट करेगी ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी, तो आपको चांसेस रह सकता है कि अक्टूबर तक आपको कंसोलिडेट करते हुए दिख सकती है। जस्ट मैं चांसेस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि करते ही हुए दिख जाए, उसके बीच में ही मे बी हो सके तो अच्छा तेजी भी देखने को मिल जाए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बोलूंगा कि ये नेक्स्ट वीक तक चांस रहेगा कि पूरा का पूरा कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। अगर कुछ नया चीज आता है, नया अपडेट आता है, तो मैं ऑफकोर्स आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, इसे बोलो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए।